हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। एक नए व्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के नए व्लॉग में बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है, मतलब एक पहाड़ी फूड रेसिपी भी आज के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। अब खाना बनाने की नहीं है, मतलब कि हम जो अरबी होते हैं उसका पहाड़ों में कैसे कैसे यूज किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। और ये जो रेसिपी है ये मुझे यहाँ मम्मी लोगों ने बताई है और मैंने यहीं सीखी है, तो आज दोनों सास बहू हम यही काम करने वाले हैं। और आज आने वाले हैं हमारे घर में मेहमान भी, तो मतलब बुआ आने वाली है और फूफा जी आ रखे हैं, तो उनको भी ब्लॉग में लाया जाएगा। अब मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पर कमरे में। कमरे में मैंने थोड़ा सा गहत भिगा रखे हैं एक बर्तन में, तो उस गहत को मुझे पीसना है, तो चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गहत, तो ये गहत मैंने कल भिगा दिए थे। जैसे मतलब हम इसका गहत की आपको पता है कि दाल बनाई जाती है, तो ये है गहत। और गहत मैंने कल रात ही भिगा दिए थे ताकि ये अच्छे से भीग जाए, और इसको अगर मैं पीसूँ तो ये अच्छे से भीग जाए, इसलिए ये कल ही मैंने भिगा दिए थे। और अभी मैंने अच्छे से ये धोकर थोड़ा सा यहाँ पर रखे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद मुझे इसको पीसना है। तो पहाड़ों में इन दालों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ दालों के लिए ही नहीं किया जाता है, बाकी सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे हम इसको गड्डरी में मिक्स कर रहे हैं, और गड्डरी में मिक्स करने के बाद हम उसकी बड़ी बनाएंगे, और उसको हम सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और दाल भी बना सकते हैं जनवरी के टाइम में या दिसंबर के टाइम में। अरबी की बड़ी बनाई जा रही है आज, और इनको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में पिनालू भी कहते हैं और रड़ू भी कहते हैं। तो ये गडरी से थोड़ा अलग होते हैं, इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, गडरी थोड़ा लाल होती है। और अभी आपको दिख रहा है कि जो मम्मी है वो इनको कद्दूकस कर रही है, इसमें अरबी को रड़ू को कद्दूकस कर रही है। और कद्दूकस पहले इन्होंने अच्छे से छीले और छीलने के बाद धोए, और धोए धोने के बाद कद्दूकस कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ और इसमें गहत पीसेंगे फिर बड़ी बनाएंगे। तो मम्मी बोल रही इसमें बहुत मिक्स करेंगे हम, और उसके बाद इसको हम इसकी बड़ी बनाएंगे। तो ये रेसिपी मैंने यहीं आकर सीखी है, और बहुत अच्छी है। हम लोग आप लोग भी इसको बना सकते हो और जाड़ों में खूब खा सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा टेस्टी रहती है, सबसे ज्यादा टेस्टी होता है बोल रही है मम्मी। वो आ गया अपना डुक्का लेके यहाँ से गोबर डालने के लिए। ये देखो इनको, कुछ कहना चाहोगे आप? इनको शर्म आ रही है। तो अभी ये जा रहे हैं ऊपर गोबर डालने, और मम्मी यहाँ पर उसको कद्दूकस कर रही है। बड़ी बनाने के लिए जो हमने गहत भिगाए थे उसको अब मम्मी पीसने लगी है, और आज लाइट नहीं है तो हम पहाड़ी मिक्सर का यूज कर रहे हैं, सिलबट्टे का। आप देख सकते हैं यहाँ पर खसकाए जा रहे हैं, और खसकाने वाले को भी देख लो, इतने खसका दिए हैं और कुछ खसकाने बाकी हैं। तो मम्मी का चल रहा है यहाँ पर गहत पीसने का काम, और आज हमारे वहाँ आ रखे हैं मेहमान। ये है बुआ, बुआ आ रखी है आज हमारे वहाँ, और फूफा जी भी आ रखे हैं। थोड़ी देर में उनसे आपको मिलाया जाएगा। गहत थोड़ा ज़्यादा भिगाए थे, तो मम्मी का अभी भी वही कंटिन्यूसली काम चल रहा है गहत को पीसने का। तो आज लाइट की वजह से इसका यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट आज आई नहीं है यहाँ पे। और अब इस गहत में हमने मिला दिया है जो कद्दूकस कर रखा था अरबी, तो और अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। और वहाँ से गाय लाली भी आवाज़ दे रही है, अम्मा अम्मा बोल रही है वो खाने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा जब तक गहत में अच्छे से जो अरबी है वो मिक्स ना हो जाए। और पूरे मिक्स होने के बाद भी बड़ी बनाने की प्रोसेस शुरू होगी। और ये बिछार के हमने यहाँ पर पन्नी, और इन बड़ी को हम पन्नी में डालेंगे क्योंकि निकालने के लिए थोड़ा सा इजी रहते हैं। अभी मम्मी ने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि हम इसको लंबे समय के लिए यूज कर सकें। तो नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ी 1-2 महीने तक और यूज कर सकते हैं। अब छोटे छोटे हाथ में लेके बड़ी ही डाल दी जा रही है, तो मम्मी यहाँ पर अभी डाल रही है बड़ी। ये है बड़ी लेकिन छोटी डाली जा रही है, तो छोटे छोटे इसलिए डालें ताकि ये सूख जाएंगे।
और अब थोड़ा मैं भी लग जाती हूँ बड़ी डालने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और इस सिरे से डाल रही हूँ मैं छोटी छोटी बना के, छोटे बना रही हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए। बड़ी को हमेशा धूप में डाला जाता है क्योंकि इनको सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें इसे तब तक सुखाना पड़ता है जब तक कि इसके अंदर से पूरा जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बाहर ना निकल जाए। तो हम इसको 2-3 दिन तक धूप में ऐसे ही सुखाएंगे, और जब इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। और पीछे वहाँ गाने सुनाए जा रहे हैं, वहाँ अभी थोड़ी देर में आपको वहाँ ले जाया जाएगा और गाने सुनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों डाल रहे हैं अभी बढ़िया, हम दोनों ने मिलकर डाल दिया इतनी गहत और अरबी के मिक्स करके बढ़िया। पूरी जो बड़ी है वो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखो पन्नी में इतनी ज़्यादा है, सूखने के बाद ये बहुत कम हो जाएंगी। और इनका जो हम यूज कर सकते हैं वो जाड़ों के टाइम में कर सकते हैं खाने के लिए, और बहुत लंबे समय तक के चलते हैं, तो 2-3 महीने तक के लिए चल सकते हैं। मतलब 2-3 महीने तक ये खराब नहीं हो सकते हैं, तो 2-3 महीने के अंदर हम इनको खा सकते हैं। अरे धिनाली वाला तो वह पूरे वो कर दिए हैं, और मम्मी ने भी डाल दिए, हम दोनों ने मिलकर ही डाल दिए हैं। और यहाँ पर आज ड्यूटी लगी है मेहमानों की, तो ये है इनकी ड्यूटी, इसको देखने की ड्यूटी लगी है, उसको देखने की ड्यूटी और गाना वाना सुनाने की ड्यूटी बुआ की है। और ये है मेरे हाथ देखो, तो फूफा जी बैठे हैं यहाँ पर धूप में और वो बात कर रहे हैं अपने समधी जी से। ये देखो हिमांचली टोपी में है? मैं जाती हूँ किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो अभी हमने रखी है गहत की दाल उबालने के लिए रखी है, बाद में उसमें तड़का मारेंगे। तो आज का दिन हमारा ऐसी है, मतलब मेहमान नवाजी वाला डे है। तो अब बुआ लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ रहने वाले हैं, तो आपको रोज वो ब्लॉग में नजर आ जाएंगे। ये गहत गलाने के लिए रखी थी, तो जो गहत है वो अच्छे से गल चुके हैं देखो। और ये दाल मैंने इसमें टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही इसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे, अब बस ऊपर से एक तड़का मारना है। तो ये जो दाल बनाने की स्टाइल है पुरानी ही हमारी बुबू लोगों की स्टाइल है, पहले वो दाल को ऐसे गलाते थे और ऊपर से सिर्फ इसमें छौंका मारते थे, तड़का मारते थे, तो वही हम भी करने वाले हैं इसमें। ये भी मैंने लिया कुछ लहसुन की कलियाँ, और तेल गर्म हो चुका है, अब तेल में इसको मैं डाल दूँगी। और तड़का मारने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है, और फिर इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और हमारा जो खाना है आज का वो तैयार हो चुका है, बाहर और गहत की दाल तैयार हो चुकी है, दाल और धनिया भी डाल दिया है। खाना पीना खाने के बाद अभी हम लोग बैठे हैं बाहर से, मतलब बाकी सब लोग बैठे हैं बाहर से, और मैं अंदर आई हूँ चाय बनाने के लिए। आजकल है सीजन जाड़ों वाला, तो जाड़ों वाले सीजन में धूप सेकते हैं यहाँ पर सब लोग, क्योंकि काम मोस्टली आजकल हो ही चुका है। तो अभी मैं ले जा रही हूँ उन सब के लिए चाय, और गैस पर मैंने चाय रखी है बनाने के लिए। ये है सब लोगों के लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय, अभी मेरे हाथ से गिर चुकी थी, तो अब मैं जा रही हूँ उन सबके लिए चाय लेके, और नीचे मिलती हूँ आपको। सबको मैंने चाय दे दी है, और सभी लोग यहाँ पर चाय ले रहे हैं, मतलब पी रहे हैं चाय को, और अपने आपस में अपने पुराने जमाने के गप्पे मारे क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं। अभी है शाम का टाइम, और सब लोगों को चाय देने के बाद, चाय पीने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।